हाय गाइस, आज हम खावागोए जा रहे हैं। खावागोए एक एडो पीरियड का कासल टाउन है, तो चलिए देखते हैं खावागोए कैसी जगह है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है जापान में, जो ऐसी क्रॉसिंग्स हैं, ऐसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पर पेडेस्ट्रियंस ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन लाइट हमेशा रेड रहती है और ट्रैफिक के लिए लाइट हमेशा खुली रहती है, हमेशा ग्रीन सिग्नल रहता है। तो पेडेस्ट्रियंस जब आते हैं, उनको अगर सिग्नल क्रॉस करना है तो पास में एक ये बटन बना होता है, इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो लिखा गया ओमाची कुदासाई प्लीज़ वेट, और ये पेडेस्ट्रियंस के लिए सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। 10 सेकंड, 15 सेकंड जो भी टाइमर होता है, पेडेस्ट्रियंस के लिए सिग्नल ग्रीन हो गया और फिर वापस रेड हो जाएगा जब तक कोई दूसरा बंदा इसको नहीं दबाता। ये हम हासुदा स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पर क्या होता है, स्टेशन्स के नीचे जस्ट स्टेशन की एग्जिट पे बस स्टैंड ज़रूर होते हैं ताकि कनेक्टिविटी हो जाती है पूरी सिटी से, स्टेशन कनेक्ट हो गया। आगे टैक्सी स्टैंड भी है, तो सारे रेलवे स्टेशंस इस तरह से कनेक्टेड हैं कि लोगों को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, स्टेशन से उतरकर बस या टैक्सी पकड़ लें और सीधे अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाएं। और जो ट्रेन्स में आपने दिल्ली में अगर देखा होगा, मेट्रो में प्रायोरिटी सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं कुछ बूढ़ों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिया होता है कि यहाँ पे जो डब्बा रुकेगा ट्रेन का उसमें प्रायोरिटी सीट्स हैं, तो जिसको प्रायोरिटी सीट लेनी है वो यहाँ पर खड़ा होकर वेट करें। तो इतनी डिटेल में यहाँ प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन दी होती है ट्रेन्स के बारे में। स्टेशन पर आ गए, खावागोई जाने के लिए हमें ओमिया स्टेशन से इंटरचेंज करनी पड़ेगी ट्रेन। हाँ देखो, स्टेशन के अंदर हेयर सलून भी बना हुआ है।
बहुत अच्छा लगा और मेरी ये रिकमेंडेशन है, अगर आप लोग जापान आएँ और साइतामा में आने का मौका मिले तो एक बार ये खावागोए में ओल्ड टाउन फीलिंग जो है इसको एक्सपीरियंस करने ज़रूर आएँ यहाँ पर। हमने खावागोए स्टेशन से ये 300 येन का पास लिया था, ये वन डे पास है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं इसको। और इस 300 येन के पास से, ये मैप स्टेशन से ही हमने लिया है, इस 300 येन के पास से ये स्टेशन है, इस स्टेशन से ये जो सड़क है, ये पूरा वो एरिया है जिसमें अभी हम घूम रहे थे। इस एरिया में अनलिमिटेड राइड्स आप ले सकते हो, यहाँ से स्टेशन से बस पकड़ो, यहाँ किसी भी स्टॉप पर उतरो, घूमो और बस पकड़कर वापस आ जाओ इधर स्टेशन पर। एक और बस चलती है 500 येन जिसके लगते हैं, 500 येन का वन डे पास है, वो लूप बस है, वो इस लूप में घूमती है। तो हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, पूरी लूप में घूमने का टाइम नहीं था, तो हमने 300 येन वाला पास लिया जो सिर्फ इस सड़क पर घुमाता है। अगर आप सुबह जल्दी आते हैं और आपके पास टाइम है तो आप लूप पास ले सकते हैं और इस पूरे एरिया की बाउंड्री तक आप घूम सकते हैं।